वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब जॉइंट व्हील, देखो ये है हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड, ये है वर्टिकल जॉइंट व्हील, तो हम लोग जॉइंट व्हील की बात कर रहे हैं, वर्टिकल इज इट क्लियर, ओके नाउ तो वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके जस्ट अ मिनट, सो लेट मी सर, हाँ सर इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा है? नहीं बस अभी स्टार्ट किया मैंने, कल तो मैंने शायद नहीं नहीं सर, कॉन्वेक्स रोड और कॉन्केव रोड पढ़ाया था यस्टरडे टुमारो, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है मैंने यस्टरडे, मतलब मैंने पढ़ाया था, ओके तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं होता, आप लोग बैठे होंगे ना जॉइंट व्हील में, जॉइंट व्हील में सब लोग जरूर बैठे होंगे एक बार, तो जॉइंट व्हील में क्या होता है कि जब लोवेस्ट पॉइंट होता है ना तो वहां पे इसको हम लोवेस्ट पॉइंट बोलेंगे, दिस इज लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, सो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होता है वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो ये वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो क्योंकि वाई वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होता है बिकॉज इट हैज टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, ऊपर जाना है ना, अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी ज्यादा नहीं चाहिए हमको बिकॉज इट इज कमिंग टूवर्ड द ग्रेविटी, ठीक है, ऊपर से नीचे आने के लिए वेलोसिटी की जरूरत नहीं होती, अपने आप आ जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है, मिड पॉइंट पे भी वेलोसिटी होती है, हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग होती है, अच्छा मिड पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहती है, बस फर्क ये है कि वो अपवर्ड होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है, तो जॉइंट व्हील इस तरह से घूमता है, तो चलिए हम लोग वर्टिकल सर्कल की बात करें, वर्टिकल समझ रहे हो, वर्टिकल सर्कल, ओके तो यार स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, नो स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, आप देखते हैं कहां पे मैक्सिमम है, ऊपर जाएगा मिनिमम हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो बढ़ता जाएगा, फिर ऊपर जाएगा कम होता जाएगा, लाइक दिस वे, स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, तो स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी तो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती, फिर इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग नाउ, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, तो आर यू गेटिंग व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी तो 100% चेंज होगा, फिर तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ये एक एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, इस पे आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके जेई वगैरह में, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट आर यू गेटिंग, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यस सर, सर वो कॉन्वेक्स रोड का थोड़ा सा रह गया था, उसका क्या करें, मैंने भेजा था आपको रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से देख लिया करिए ना, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, मोशन ऑफ व्हील को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसीडर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्चुअली मोशन ऑफ व्हील को आप सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे, इसको आप रोटेशनल मोशन बोलेंगे, वर्टिकल रोटेशनल मोशन, ठीक है, क्योंकि व्हील में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्पोक्स भी होते होंगी, व्हील है तो व्हील में स्पोक्स भी लगी रहेंगी, ठीक है, अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव मिस्ड इट, मैंने रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, चेक कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूं ना तो मैं देखता हूं सिर्फ हार्डली कोई एक या दो लोग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने से कोई फायदा है क्या, अननेसेसरी हमारा जो है वेस्ट होता है उसमें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेजा था, ठीक है, एक बच्चे ने देखा है, दो बच्चों ने देखा, बस
तो अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग करवाते हो लेकिन देखता तो कोई है नहीं। चलो अच्छा ठीक है ओके। तो हाँ बच्चे बोलो। सर लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट जाने के लिए वेलोसिटी ज्यादा लगेगी। हाँ बिकॉज़ इट हैज टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है ना, वर्टिकल है ना ग्रेविटी, ग्राउंड इधर है। जस्ट सी लेट मी टेल यू, जस्ट वेट, दिस इज ग्राउंड। तो ग्राउंड तो यहाँ पर है ना, तो अगर ग्राउंड ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ऊपर जाएगा। अरे जैसे आप देखो ना किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो पहले वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ऊपर जाता है तो कम होती जाती है। सेम थिंग इज गोइंग हियर। यस सर समझा। बिकॉज इट हैज टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी का अगेंस्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि एक्सलेशन डाउनवर्ड है, दैट इज माइनस जी। ओके तो जस्ट कॉपी ऑन इंट्रोडक्शन, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसका डेरिवेशन। अच्छा इसका डेरिवेशन आपको जस्ट लेट मी टेल यू डेरिवेशन अबाउट दिस वन। इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा। और अगर हाँ मैं बता देता हूँ उसका डेरिवेशन कहाँ मिलेगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा, cbse.nic.in पे मिलता है। ठीक है, और अगर तुम स्टेट बोर्ड का देखोगे तो ये क्लास 12 की बुक में मिलेगा, दैट इज फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो आप तुरंत में पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है ओके, तो कैन आई स्टार्ट? यस सर। ओके नाउ सी हियर, हमने एग्जांपल में क्या लिया है, लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से एक स्टोन टाई अप किया और उसको वर्टिकल मोशन में उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन में उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स से डायग्राम इज लाइक दिस वे, वर्टिकल मोशन में उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो डायग्राम इज लाइक दिस वे। चलेगा ये ऐसे क्यों हो जाता है? चलेगा हाँ, मैं इसको गड़बड़ हुआ है, एक मिनट बंद करके मैं दोबारा ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ अब ठीक है, यस लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग हियर। अच्छा हम क्या करते हैं, इसको लोवेस्ट पॉइंट एल ले लेते हैं, बॉटम पॉइंट को एल ले लेते हैं, एल फॉर लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा इसको हम लोग ले लेते हैं मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, एंड दिस इज हाईएस्ट पॉइंट एंड हियर इट इज आल्सो मिड पॉइंट। ओके तो वी हैव टेकन अ स्ट्रिंग हियर, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया इधर, ये सेंटर है। ठीक है एंड देयर इज अ स्टोन हियर, स्टोन टाई अप कर दिया है। ठीक है दिस इज सेंटर हियर। अच्छा ये सेंटर है तो दिस इज लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस इज ओके। तो ये जो पार्टिकल उसका मास क्या है, तो वेट किधर होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हाँ वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट को बना देते हैं, वेट नीचे की तरफ होगा, दैट इज एम जी, एम जी, एम जी। ये स्ट्रिंग है, इसमें लेट्स से इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है टी, टेंशन इज कैसे आ रहा है सर,
नो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे भी बना लेते हैं ये भी मास को एप्लीकेशन। हियर इट इज मास और वेट हम बना लेते हैं दैट इज एमजी। हम इधर स्ट्रिंग ले लेते हैं, हियर वी विल टेक स्ट्रिंग हियर ठीक है, ये स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन डेवलप हो जाता है दैट इज टी। ये वेट है, लेट्स से एंगल हियर इज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल इज थीटा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ हाइट बना लेते हैं, लेट्स से आई एम टेकिंग हाइट हियर एक सेकंड। अच्छा हाइट बना लेते हैं, लुक हियर दिस हाइट ये मेरी आवाज आ रही है ना सबको बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ ठीक है, ये हाइट बना लेते हैं, ये मिड पॉइंट का हाइट हो जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हाइट हम जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे हाइट किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस सर्कल के बराबर हो जाएगा, यहाँ डायमीटर के बराबर हो जाएगा दैट इज 2r। और यहाँ पे हाइट जीरो लेते हैं। अच्छा व्हाट अबाउट एंगल? एंगल ले लेते हैं लोएस्ट पॉइंट मिड पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट द एंगल? जैसे ये हम लोग यहाँ पे we will take angle here हम लोग यहाँ पे एंगल ले लेते हैं, लेट्स से थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, थीटा क्या एंगल विद द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल। मतलब लोएस्ट को जीरो डिग्री होगा ना? लोएस्ट पे फिर जीरो डिग्री लेंगे, तो ये जीरो डिग्री होगा, मिड पॉइंट 90 डिग्री होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे 180 डिग्री हो जाएगा ठीक है। तो जीरो इधर जीरो होगा, यहाँ पे 90 फिर 180 फिर से 90 फिर जीरो, जीरो 90 180 90 जीरो। तो यू टेक एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से लेना। डायग्राम कंप्लीट हो गया है, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज पी, इस पॉइंट को भी कोई ले लेते हैं, जनरल पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी हियर एंड पॉइंट पी पे वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज, लेट्स से वेलोसिटी एट पॉइंट पी, लेट्स से हम वेलोसिटी ले लेते हैं पॉइंट पी पे हियर, v ले लेते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट p v हो गया ठीक है। अच्छा वेट किधर होगा? वेट होगा डाउनवर्ड, वेट तो तुम्हारा डाउनवर्ड है, दिस इज वेट। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ठीक है, ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, तो एम जी को ब्रेक कर देते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज एम जी कॉस थीटा। आर गेटिंग वाई ओ एम जी कॉस थीटा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, हाँ तो ये हो जाएगा दैट इज इट बिकम, ये हो जाएगा दैट इज एम जी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा दैट इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस। आर गेटिंग दिस डायग्राम? डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो आप देखो सेंटर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ? सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? टी।
और अपोजिट कितना लग रहा है mg cos थीटा, अपोजिट लग रहा है दैट इज mg cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अपोजिट mg cos थीटा लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, t माइनस दैट इज t माइनस mg cos थीटा। तो नेट फोर्स क्या होगा, दैट इज t माइनस mg cos थीटा। मैंने बोला था सर्कल सर्कल मोशन की तरफ जो सेंटर की तरफ होता है ना, जो सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेटिंग होता है, सेंटर की तरफ वाला फोर्स डोमिनेटिंग होता है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो सेंटर की तरफ है वो एक्ट करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब t माइनस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बोला था जो सेंटर की तरफ होगा वो डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। तो दैट इज t माइनस mg cos थीटा, कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, यहां पे हम लोग mv स्क्वायर अपॉन r लेते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r। तो t की वैल्यू क्या आ गई, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर वन। जस्ट कॉपी ऑन दिस इक्वेशन, डायग्राम पहले कॉपी कर लो उसके बाद इक्वेशन कॉपी कर लीजिए। तो t माइनस mg cos थीटा एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हाइट ध्यान रखना, एंगल ध्यान रखना, लोएस्ट पॉइंट पे 0, मिड पॉइंट पे 90, हाईएस्ट पॉइंट पे 180, ठीक है। नेट फोर्स की एट एनी पॉइंट p लिख लेना, यहां पर एट एनी पॉइंट p So please scroll down. अच्छा रुको, मुझे नेट चेंज करना पड़ेगा, नेट जा रहा है लग रहा है, रुको जस्ट होल्ड ऑन। आवाज आ रही है मेरी क्या आपको? बॉयज एंड गर्ल्स आवाज आ रही है क्या? हेलो